नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज मीडिया में। दोस्तों, कोरोना काल और लॉकडाउन की वजह से देश में लोगों को पैसे की किल्लत का सामना करना पड़ा है, लेकिन लोगों के इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए चीनी ऐप्स ने भारतीयों के इसी मजबूरी का फायदा उठाकर 21,000 करोड़ डकार लिए हैं। आइए बताते हैं क्या हो रही लोगों से गलती। एक वेबसाइट के मुताबिक इन दिनों ज्यादातर भारतीय इंस्टेंट लोन ऐप का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादातर इंस्टेंट लोन ऐप चीन से संचालित होते हैं। इंस्टेंट लोन ऐप आपको सिर्फ एक क्लिक पर इंस्टेंट लोन देने का दावा करते हैं। पुलिस की माने तो इंस्टेंट लोन ऐप एक क्लिक पर लोन प्रदान करते हैं और उस वक्त इंटरेस्ट रेट का खुलासा नहीं करते हैं। अधिकारियों के मुताबिक प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी आदि को जोड़कर हर हफ्ते ऐप्स 30% तक का ब्याज वसूलते हैं। अब तक पुलिस ने 1,000 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट पाया है। वहीं हैदराबाद पुलिस ने 21,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन 4 अलग अलग चीनी कंपनियों में पाया है। इनमें से कुछ ट्रांजेक्शन बिटकॉइन में हुए हैं और उन्हें हवाला के जरिए विदेश भेजा गया है। विभिन्न मामलों में पुलिस ने 110 करोड़ रुपए सीज किए हैं। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले की जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इंस्टेंट लोन ऐप के लोन जाल में फंस चुके लोगों में कई लोग मजबूरन आत्महत्या कर चुके हैं। पुलिस इन सभी मामलों की जांच कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह की ऐप से आप सावधान रहें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें, जैसे आपके जान पहचान के सभी लोग इस तरह के लोन ऐप से सावधान रह सकें। इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें।